नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। हाल ही में इसे कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, तो आइए उसी पर बात करते हैं। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर घोषित करने से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ हवाई यात्रियों को प्रतिस्पर्धी लागतों की व्यापक पसंद की भी पेशकश हुई। इसे इस क्षेत्र के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो कुशीनगर हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश का, कई बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों जैसे कपिलवस्तु, श्रावस्ती और लुम्बिनी के निकट के क्षेत्र में स्थित है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है। ये गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में है और ये महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। क्वेश्चन एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा काल गौतम बुद्ध ने कहाँ पर बिताए थे, तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुशीनगर में बौद्ध क्षेत्र दुनिया भर में बौद्ध धर्म मानने वाले 530 मिलियन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर घोषित करने से ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही प्रतिस्पर्धी हवाई यात्रा सेवाओं की व्यापक पसंद की पेशकश होगी, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा यानी म्यांमार, जापान आदि देशों से लगभग 200 से 300 भक्त प्रतिदिन कुशीनगर में आकर अपनी प्रार्थना करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आगंतुकों के आने के बावजूद इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल की कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। अब हो गई है, अभी तक नहीं थी। कुशीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के साथ कुशीनगर आने वाले विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश में पहले से ही बढ़ रहे आतिथ्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। कुशीनगर जो है वो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल है, क्योंकि यहाँ यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इस जगह को एक बहुत ही पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां दुनिया भर से बौद्ध तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। कुशीनगर कपिलवस्तु से 190 किलोमीटर, श्रावस्ती 238 किलोमीटर, लुम्बिनी 195 और कई अन्य स्थलों से जोड़ा गया है। यह स्थान कुशीनगर को आगंतुकों और अनुयायियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान बनाते हैं। कुशीनगर जो है भारत और नेपाल में फैले विभिन्न बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए एक प्रमुख स्थल के तौर पर भी प्रसिद्ध है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन के ऑल सेक्शन में जाकर उसे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।